रानू जी सबको, और कैसे हो आप सब जी? ब्लॉग करते हैं शुरू। आज का टाइम हो रहा है जी एक, इधर आ गया जी अपना नाश्ता। चेतन ने बाहर से मंगाई थी सब्जी और ये हमने रात को बनाई थी जो कि है आलू मटर पनीर की। कैसी बनी थी माता? बढ़िया बनी थी। और कल गाइस आनंद आ गया अपना कृष्ण जन्मोत्सव में, और माता जी के लिए हम प्रसाद भी लाए थे कल, कद्दू और दो फुलके। लेकिन फिर माता जी तो खा चुकी थी, फिर अपना लेट भी हो गया था कल बहुत। एक्चुअली 12 बज गए थे घर आते आते हमें। कद्दू दिए हैं? मैं कहा भाई शर्म बढ़िया है लेते हुए, पर मैं ले ही आया। मैं कहा चल माता ले ले आई, और दो फुलके कद्दू दी सब्जी। वहाँ भी आलू मटर ही थे कल, वहाँ भी आलू मटर थे और कद्दू। भाई अपनी सब्जी बहुत टेस्टी बनी, वो तो प्रसाद था, खैर बहुत कमाल, लाजवाब, वेरी टेस्टी। हाँ वो तो है ही, और क्या, प्याज छोड़ दो मत खाया करो, प्याज टमाटर वाली बढ़िया बनती है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। छोड़ नहीं रहा डर लगे भाई इससे, कहीं फाफड़े देगा मार हैं। ओ भाई तेरी गुस्सा आ गया भाई साहब बहुत। ए चुस्सी जी देख, ओ तेरी है तेरी, ओ गुस्सा सिर दर्द हो गया इसका आज। ज्यादा उससे प्यार ना करो या तो इसे प्यार डिपर किस तरह चलायो है, हैं वो तो मलिक जी को बता डिपर किस तरह चले। मलिक जी दोनों डिपर चल रहे थे, दोनों आंखें ये एक ही हैं, दिखा नहीं। अच्छा ये तो सीधा है, तुम्हें शिकायत मिली बस। किसी का कोई एतबार ना करे, डॉक्टर भी चला जाओ। अबे क्या कल से नहीं आने का? मना कर रहा कल से नहीं आने का। हाँ वो कह रहा तुमने ऐसी तैसी फेर दी मेरी। घर वाली बजा गई तेरी है भाई, घर वाली सुताई करेगी, झेल लेगा है तेरी। यही तो प्यार है फिर, क्यों मलिक जी सही बात है नहीं है? देखो वाजी वाह, इनकार के आवाज में बजाओगे भाई। ये देखो ये लड़ाई हो गई है यहाँ पे चुस्सी और आरिफ जी की। ओहो दबोच लिया भाई। ओहो चुस्सी जी तुमने नहीं दबोचा, देख तुम्हें दबोच लिया इनने। ले भाई चुस्सी जी तुम तो हार गए हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:30 और इधर मौसम हो चुका है ललन टापा, लाल लाल हो गया है और बूंदे भी आ रही हैं कड़ियाँ। ए चेक करो जरा, ओ ए फ्लैशा मार दी भैया बिजली। वाह जी वाह, तेज ना है भाई बारिश, क्योंकि कथा हो रही है बाहर। अब पहले तो हॉल में हो रही थी, अब बाहर हो रही है, वरना फिर उन्हें सब अंदर स्टेज बनानी पड़ेगी दोबारा। देखो हवा भी चल रही है, थोड़ी गर्मी कम हो जाए या ये और गर्मी कर देगी, लेट्स सी क्या होता है। हवा तो बढ़िया चल रही है, पर पेट डेल रहे हैं देख सकते हैं आप। मैं वही बात कर रहा, मैंने कहा अब अंदर ना कर दें वो पंडाल लगाएं, क्योंकि बाहर तो बूंदे तो आई गई हैं थोड़ी बहुत। तो देखो अच्छा इन्हें स्नान करा दिया आपने आज? चलो वेरी गुड। अच्छा की कहंदे हां जी मैनू रसोई च बैठाओ, हिम्मत दियो। अच्छा फिर मैं तुम्हारा प्रसाद बनावांगी। अच्छा ओ कहणगे हिम्मत आप भी करनी पैनी जे थोड़ी बहुत ही, अंदरों आएगी नहीं मतलब आप भी अंदरों कोशिश करो उठन दी तो उठोगे। चल कोफ्ते मत डाल, चलो उठो लगा भी वाकर ले आ इधर। आज माता कुकिंग करेगी ठीक है, आज माता का ब्लॉग बनेगा कुकिंग करते हुए। आज हम नहीं आज शेफ होएगी रजनी भाटिया जी, पक्का नहीं पता भी है, चवल मार दी पई माता साड़ी। हाँ देखो हंस गई कोफ्ते बनेगा आज गाइस, कोफ्ते हो चुके हैं और इधर हम चल रहे हैं जी फिर अपना लोकी कोफ्ते।
साढ़े आठ हो चुके हैं और इधर लाइट जा चुकी है क्योंकि बारिश थोड़ी बहुत हो चुकी है तेज अब, और कोफ्ते हैं रेडी, इधर तड़का भी है रेडी, अपना रोगन छोड़ दिया बढ़िया ने, ऑयल रिलीज हो गया, पक चुका है बढ़िया तड़का। लो जी ये जिसमें हमने कोफ्ते करे थे ना, ये वही वाला है, बेसन है इसमें थोड़ा सा, कोई नहीं इससे क्या होगा जी, इससे ग्रेवी थोड़ी बढ़िया हो जाएगी गाढ़ी वाली। एक बॉइल्ड आ चुका है, अब इसमें ऐड करते हैं हम कोफ्ते। तो जी हमने एक दो मिनट इसे थोड़ा और पकाया और कोफ्ते अपने बढ़िया तैयार, और लाइट भी आ चुकी है, बट गाइस बारिश थोड़ी तेज हो चुकी है और इधर टाइम भी हो चुका है 9:15, देखते हैं वे कैसे जाए अब। तो गाइस टाइम हो रहा है जी 9:15 और अब बारिश रुक गया भगवान की कृपा से, और हम निकलते हैं फटाफट। आज हमने कुर्ता और पजामा पहना है, धोती नहीं पहनी है, लेट हो गए वैसे। तो लोग गाइस हम आ गए हैं खेम का सदन, और पंडाल अंदर ही लगा है क्योंकि बारिश तेज हो गई थी।
तो गाइस आरती के बाद आ गया अपना प्रसाद, तो पा लेते हैं हम। और आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्री है, फ्री है, फ्री है। बाय बाय, राम राम।